नमस्कार दोस्तों, मैं हार्दिक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपके जो भी कमेंट आए हैं उसके आंसर में करूंगा। जितना मुझसे हो पाया, मुझसे मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको उसके हिसाब से आंसर करूंगा। बाकी तो मैं वीडियो में काफी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, लेकिन थोड़ा बहुत मुझसे भी कभी कभी छूट जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कमेंट आपकी ऐसी होगी जिसका मेरे पास जो मैंने वीडियो में कवर नहीं किया होगा, तो उन सभी का मैं आज आंसर करूंगा। कम से कम 3 महीने जितनी कमेंट मैंने देखी है, काफी सारी कमेंट थी, सभी वीडियो पर कुछ ना कुछ कमेंट की होती है। तो ऐसा जैसा जितना मुझे लगा है कि इसका मैंने आंसर नहीं दिया है उसका ही मैं आंसर दूंगा। तो मुझे एक मैसेज आया हुआ था, एक दोस्त था उनका, तो उनका ऐसा पूछना था कि भाई आपने जो वीडियो बनाई है यूडी आईडी कार्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का न्यू अपडेट वाली, उसमें आपने कहा है कि अब से ये लिंक वाला ही चलेगा, तो मतलब लिंक वाले का फायदा क्या होगा मुझसे, हमें वो आप थोड़ा हमें बताओ। तो मुझे ऐसा लगा कि उस वीडियो में मैंने उसका आंसर नहीं किया था, तो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि उसका फायदा क्या होगा हमें नेक्स्ट टाइम में। तो देखिए, लिंक वाले से फायदा मेन तो ये होगा कि आपका जो डिसेबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट का था, जो स्टेट गवर्नमेंट का अलग होता था और यूडीआईडी जो है वो सेंट्रल का था, तो स्टेट में आपका कोई अलग डेटा था और सेंट्रल में आपका कोई अलग डेटा था। मतलब वो ऐसा था कि मान लीजिए आज मेरी डिसेबिलिटी अभी नहीं हुई है, तो मेरा अभी स्टेट गवर्नमेंट का है, सेंट्रल का अभी बनने में थोड़ा टाइम लगता है। और ऐसे भी काफी डिसेबल पर्सन है जिनका 10-10 साल 12-12 साल पहले सर्टिफिकेट बना हुआ था, तो मतलब अभी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया यूडीआईडी, तो उनका सेंट्रल के पास डेटा नहीं था। तो ये लिंक वाले बनाने से क्या होता है कि एक साथ ही डेटा बन जाता है, स्टेट का और सेंट्रल का दोनों का एक साथ ही डेटा बन जाता है। और काफी लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं कि हमारे पास पुराना वाला सर्टिफिकेट है उसके आधार पर हमने यूडीआईडी बनवाया हुआ है, तो काफी लोगों का ऐसा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपका जो कभी भी, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरा भी पुराना वाला सर्टिफिकेट स्टेट का था और मैंने उसके आधार पर यूडीआईडी बनवा लिया। तो मैं जब गया वहां पे तो मुझे ये कहा कि ये कैंसिल हो जाएगा, नया वाला सर्टिफिकेट आपको लिंक वाला ही मिलेगा यूडीआईडी और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट स्टेट का। तो काफी लोगों का ऐसा है, तो मैं तो यही कहूंगा कि आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा, और रिन्यू करवाने के लिए आप अपने सिविल हॉस्पिटल जाइए, वहां पे आपको दोनों प्रोसेस करके देंगे, तो ये अच्छा रहेगा आपको बनवाने के लिए। बहुत पुराना है जिनका, और जिनका लिंक वाला नहीं हुआ है, तो इस तरह से आप बनवा सकते हैं। और ये यूडीआईडी सिविल से ही बनता है, इसका भी एक मेन फायदा है, काफी लोगों के 2-2 साल 3-3 साल हो गए लेकिन वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट तो आपका वो सिविल से मिल जाता है तुरंत 15-20 दिन में, लेकिन यूडीआईडी कार्ड के लिए 2-2 साल 3-3 साल लग जाता है। तो आप सिविल से अगर दोनों लिंक वाले बनाएंगे, मतलब वो आपको लिंक वाले ही बना के देंगे, आप मना कर, आप बोलेंगे नहीं ना तो भी, तो आपको वही लिंक वाले बना के देंगे कि जिसमें सर्टिफिकेट नंबर दोनों सेम हो, स्टेट का और यूडीआईडी का। तो जिनका 3-3 साल 4-4 साल पूरे से वेटिंग आ रहा था, तो उनको थोड़े टाइम में आता है नहीं आता है, लेकिन उनको डाउनलोड कर लेना चाहिए। अगर आप सिविल से बनवाते तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, आप अगर सिविल जाए और कहे कि मेरे पास पुराना वाला है, तो वो लोग आपको दोनों बना के देंगे और वो थोड़े टाइम के अंदर आपको दे देंगे। सर्टिफिकेट जो है स्टेट वाला, उसमें मेडिकल अथॉरिटी आपकी सीटी का लिखा हो, तो वो आपको तो वो 15 दिन में दे देंगे। और जो यूडीआईडी है वो प्रिंटिंग एजेंसी के पास से आपके पास आता है, तो वो आप वही को थोड़े टाइम के अंदर मिल जाएगा। और आप उनको पूछ भी सकते हैं कि कहाँ पर पहुंचा मेरा यूडीआईडी कार्ड का जो स्मार्ट कार्ड वाला है, तो वो आपको वहां पे आंसर भी करेंगे। बाकी तो आप 2-2 साल तक वेट कर रहे हैं, आपने अपने खुद से बनाया है, तो उसका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। काफी लोग ऐसा भी पूछते हैं कि भाई हमारे पास बहुत पुराना है तो हम क्या करें, उसके आधार पर यूडीआईडी बनवा ले, ये करे वो करे। तो देखिए, बहुत पुराना है तो उसके आधार पर यूडीआईडी मत बनवाना कभी भी। आपके पास 10 साल 5 साल 7 साल कोई भी पुराना सर्टिफिकेट है, तो मैं आपको मेरा वाला सर्टिफिकेट यहाँ पे दिखा दूंगा और यूडीआईडी भी दिखा दूंगा। ऐसा अब गवर्नमेंट ने कहा है कि अब से यही चलेगा, ये वाला जो आप देख रहे हैं यही चलेगा। तो बहुत पुराना वाला है तो आप नया बनवा लीजिए। और अगर कहीं पर आपको प्रॉब्लम आती है, जैसे आप कोई स्कीम में लाभ लेते हो, तो आपको अगर वो लोग कहे कि आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिखाओ, तो वो बहुत पुराना वाला हुआ तो आपका रिजेक्ट भी हो सकता है 10 साल पुराना वाला। जो इस तरह का होगा वही चलेगा अब, तो आप नया सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और वहीं से आपको यूडीआईडी भी बना के देंगे। सिविल हॉस्पिटल जाना, मेडिकल अथॉरिटी सीएमओ जो होते हैं वहां पे, और सिविल हॉस्पिटल से यूडीआईडी और ये नया बनवाने
वो बनवाने का एक फायदा वो ये भी रहता है कि अगर आप ऑनलाइन यूडी आई डी बनवाते हैं, आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है और आप ऑनलाइन यूडी आई डी बनवाते हैं, तो आपको थोड़े टाइम के अंदर वो सबमिट हो जाएगा। फिर आपको स्टेटस ट्रैक करते वक्त ऐसा दिखेगा कि कॉन्टेक्ट सीएमओ ऑफिस मेडिकल अथॉरिटी ऐसा लिखा हुआ होगा आएगा, तो आपको उसके बाद सिविल हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा क्योंकि वो डॉक्टर जो होते हैं वो आपको चेक करते वगैरह, फिर वो सिग्नेचर वगैरह करते हैं। तो ऑनलाइन करवाने से यही अच्छा है कि आप सिविल से सब कुछ करवाओ, और ऑनलाइन करवाना है आपको तो आप अपने तरीके से करवाओ और वहां पे जा सकते हो। लेकिन ऑनलाइन करो तो थोड़ा बहुत डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में नो रखना, क्योंकि अगर आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में नो रखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी न्यू बन जाएगा। अगर आप पुराना वाला अपलोड करेंगे तो वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम वाला हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। कि आपको यूडी आई डी घर पर ऑनलाइन नहीं करना है, सिविल हॉस्पिटल से ही बनवाना है ताकि आपको धक्के ना खाने पड़े, क्योंकि जब आप बनाते हो तो आपकी नई केस ओपन होता है, नया सब कुछ होता है, वो डॉक्टर आपको तभी चेक कर लेते हैं जो भी आपके मतलब कोई भी डिसेबिलिटी है, मतलब ऑर्थोपेडिक वाले हो तो ऑर्थोपेडिक वाले डॉक्टर जो है वो तुरंत आपको चेक करके सिग्नेचर कर देते हैं। किसी को विजन की प्रॉब्लम है तो वो डॉक्टर आपको तुरंत लिख के चेक करके दे सकते हैं, तो ऐसे आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। अनुज कुमार की कमेंट है, सर हम 2019 में बीमार हुए हैं, मेरे पास कोई भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या हम यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं? रिप्लाई दीजिए सर। मतलब बीमार हुए तो क्या आपको कोई डिसेबिलिटी हो गई है? तो ये तो आपको डॉक्टर चेक करेंगे फिर ही बता पाएंगे, क्योंकि बीमार होने से अगर बुखार आ जाए ऐसा कुछ तो नहीं होगा शायद। आपकी आपने कहा होता कि मुझे ये प्रॉब्लम आ गई है तो मेरा बनेगा कि नहीं बनेगा तो मैं बता सकता, बाकी अगर आप यूडी आई डी कार्ड के लिए सीधा अप्लाई करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि आपको यूडी आई डी कार्ड अगर ऑनलाइन अप्लाई करना है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में यस या नो करना पड़ेगा, फिर आपको सीएमओ ऑफिस जाना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ बीमार मतलब किस तरह से बीमार हुए ये आपने ठीक से नहीं समझाया है, तो बाकी आप सीधे यूडी आई डी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ये सिंपल सा आंसर था आपका। एक कमेंट कार का मतलब है, सर आई एम हैंडीकैप फ्रॉम राइट लेग, मैं नॉर्मल व्हीकल ड्राइव कर सकता हूँ क्या? मुझे लाइसेंस मिल जाएगा बिना इनवेरिड कैरिज के? ठीक है, कोई भी ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी होती है और उनको आरटीओ को ऐसा लगता है कि आप बिना मॉडिफाई के कार वगैरह या बाइक वगैरह नहीं चला पाएंगे, तो आपको इनवेरिड कैरिज का ही लाइसेंस लेना पड़ेगा। बाकी आपका विजन का प्रॉब्लम है तो आपको नॉर्मल वाला लाइसेंस मिल जाएगा, क्योंकि उसमें वो एलएमवी वाला होता है जो लाइट मोटर व्हीकल जिसे बोलते हैं वो वाला होता है। और कोई भी ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी है तो उनके लिए तो मोस्ट ऑफ केस में एडेप्टेड व्हीकल ही दिया जाता है, तो ये आपको आरटीओ में पूछना पड़ेगा कि इस तरह से है मुझे तो क्या मिल पाएगा। लाइसेंस वाले ही कॉमेंट है, सर अगर रीटा के चीका है, सर अगर किसी का आइस कमजोर या विजन चश्मे में 6/9 हो तो बाइक का लाइसेंस बन सकता है? देखिए इसके लिए गवर्नमेंट ने ऑफिशियल सर्कुलर दिया हुआ है तो मैं आपको दिखा दूंगा, इसके हिसाब से ही आपको वो जो सर्कुलर है उसके हिसाब से आपका विजन होना चाहिए तभी आपको लाइसेंस बन सकता है। और आई का जो विजन का प्रॉब्लम है उनको काफी दिक्कतें आती है क्योंकि काफी डॉक्टर ही लिख के नहीं देते है, काफी ऐसे डॉक्टर है वो जो आपको सर्टिफिकेट जो होता है उनका विजन का वो आपको करके ही नहीं देते, क्योंकि उनका ऐसा ही मानना है कि आप कार या बाइक नहीं चला सकते। लेकिन इस टाइप से अगर आपको विजन हो जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस टाइप से आपका विजन हो तो आपको थोड़ा बहुत परेशानी आएगी, लेकिन धीरे धीरे आपका लाइसेंस बन जाएगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत आरटीओ के खिलाफ लड़ेंगे, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कुछ करेंगे, दो तीन दोस्त लोग आपके हो उनके पास लाइसेंस हो तो आप उनको लाइसेंस भी दिखा सकते हो, और वो जो आपका विजन का प्रॉब्लम है उसमें आपको नॉर्मल वाला लाइसेंस मिलता है, एडेप्टेड वाला नहीं मिलता है। जंजीरा मुकेश जी, सर मेरा मल्टीपल हैंडीकैप 62 है, हियरिंग हैंडीकैप 40, विजन हैंडीकैप 40, टोटल 62, परमानेंट है सर, पर जब मैं जिप के लिए अप्लाई करता हूँ तो वो मल्टीपल हैंडीकैप का ऑप्शन नहीं आता, अगर मैंने वह किसी में भी भर दिया तो क्या मुझे कट ऑफ नंबर में जॉब मिलेगी? प्लीज सर, मैंने सुना है कि जॉब नहीं मिलेगी, मैं क्या करूं? गवर्नमेंट तो ऑप्शन देना चाहिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर। तो देखिए आपकी जो मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो उसमें काफी गवर्नमेंट जॉब होती है, उसमें आपको हर एक में अलग अलग पीडीएफ गवर्नमेंट ऑफिसियल सर्कुलर निकालती है,
उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन होती है वो गवर्नमेंट निकालती है, मतलब आईबीपीएस का अलग होता है, फिर आईबीपीएस में क्लर्क का अलग होता है, पीओ का अलग होता है। तो इसे काफी ऐसी गवर्नमेंट की जो भी जॉब से वहां पर अलग अलग नोटिफिकेशन होती है, तो उसमें आपको हर एक में देखना पड़ेगा कि आपकी मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो आपको वो जॉब देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि काफी जॉब ऐसी होती है जो हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा आपको समझना चाहिए कि हाँ वो मुझसे नहीं हो पाएगा तो ही वो गवर्नमेंट ना कर रही है, बाकी तो गवर्नमेंट तो काफी प्रयास कर रही है कि काफी हैंडीकैप पर्सन को भी जॉब मिले। तो आपका तो मल्टीपल है तो आप कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, लोन भी मिल सकती है एनएचएफडीसी से आपको, आप अपने स्टेट गवर्नमेंट में भी इंक्वायरी कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ जॉब से ही आप कुछ कर पाएंगे ऐसा नहीं होता है, कभी भी बिजनेस भी आपको कर लेना चाहिए कोई भी। आप गवर्नमेंट की जॉब की वैकेंसी पर कितना आधार रख के बैठेंगे, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि कोई नहीं जॉब नहीं तो हम बिजनेस का स्टार्ट करते हैं। और फिर है कार का यारसिन जी, मुझे नाम में थोड़ा प्रॉब्लम आता है भाई। आरटीओ कंसेशन डीलर से करवाना पड़ता है या उसको फुल पेमेंट करके आरटीओ ऑफिस से आरटीओ रिफंड लेना पड़ता है? देखिए इसका आंसर मैंने दिया हुआ है, वो जो अविनाश भाई ने वो कार ली थी उसके में, तो सिंपल से आपको बता दूं कि आपका जो आरटीओ अमाउंट है, जीएसटी अमाउंट है, वो जो आपको कट होकर भी पे करना होता है शोरूम को, मतलब आपकी कार 5 लाख की है तो उसमें 6% जितना आरटीओ लगता है, तो 35,000 रुपए जितना आरटीओ लगता है, तो आपको 5,35,000 पे नहीं करना है, आपको सिर्फ 5 लाख ही पे करना होता है शोरूम वालों को, वो आपको रिफंड वगैरह नहीं मिलेगा नेक्स्ट टाइम में, आपको वो पे ही नहीं करना होता है, तो वो पे ही नहीं करना होता है। अगर आपसे वो कहते हैं कि आप पहले पेमेंट कर दो बाद में रिफंड मिलेगा, तो ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, आपको वो देना ही नहीं होता है, तो आप ये बात का ख्याल रखना। रेलवे का है भाई मैं भरूच से हूँ और भरूच का नाम अंडर नहीं आता है तो क्या करना पड़ेगा? देखिए रेलवे का पास बनवाना चाहते होंगे आप, तो रेलवे का पास में क्या होता है कि आज मैं राजकोट से हूँ तो राजकोट एक DRM ऑफिस है, इसके अंडर में एक मैप बनाया हुआ होता है कि इस DRM में इस ये सभी सेंटर आते हैं, मतलब राजकोट DRM में शायद जामनगर भी आता है, शायद वो द्वारका भी आता है, तो ऐसा आपका मुंबई सेंट्रल DRM ऑफिस है, तो मुंबई में ठाणे भी आता है, फिर आप थोड़ा आगे जाएंगे तो शायद लोनावाला भी मुंबई में आता है, तो आपको वो DRM ऑफिस को कांटेक्ट करना होगा कि मैं यहाँ से रहता हूँ, थोड़ा मुझसे दूर है DRM ऑफिस, तो मैं कैसे करूँ क्या करूँ? काफी DRM ऑफिस ऐसा कहते हैं कि आप बाय पोस्ट हमें ये सब कुछ भेज दो, हम आपका रेलवे फोटो आईडी कार्ड बना देंगे। तो आपको अगर लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है ऑनलाइन वाले या ऑफलाइन वाले, तो आपको DRM ऑफिस कॉन्टेक्ट करना होगा, या तो फिर आप अपने रेलवे स्टेशन चले जाइए, रेलवे स्टेशन वाले भी आपकी अगर हेल्प कर दे तो अच्छा है, लेकिन जो DRM ऑफिस का जो सेंटर होता है, मेरे सिटी में जो है वो राजकोट सिटी में ऑफिस है, तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर मैं जामनगर में द्वारका में रहता है तो थोड़ा बहुत मुझे प्रॉब्लम आता, तो आप DRM ऑफिस कॉन्टेक्ट कीजिए, अपने नियरेस्ट आपको लगता है कि बड़ौदा मेरा नजीक है भरूच से या अहमदाबाद नजीक है, तो आप वहाँ पे दोनों जगह पे कॉन्टेक्ट कर लीजिए। तो ऐसे काफी इंडिया में कोई भी लोगों को प्रॉब्लम आती है तो आप DRM ऑफिस कॉन्टेक्ट कीजिए, काफी DRM ऑफिस के कॉन्टेक्ट नंबर अवेलेबल है वहाँ पे और वो आपको जरूर हेल्प करके देंगे। फिर है महेश पाटिल जी, वो रेलवे का ही है फोटो आईडी कार्ड में। सर रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा मेरा जो आपने फर्स्ट में अपलोड किया? रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट जो है वो काफी पुरानी स्कीम है, जब भी ये रेलवे फोटो आईडी कार्ड ऑनलाइन वाला नहीं था तब रेलवे कंसेशन ही चलता था, कंसेशन पास जिसे बोलते A4 साइज में होता है, तो वो आपको बनवाने के लिए पहले DRM ऑफिस से आपको फॉर्म वगैरह लेना होगा, और फिर आपकी जो भी डिसेबिलिटी है और आपके जो भी नजदीक में सिविल हॉस्पिटल होता है CMO ऑफिस, वहाँ पे आपके अपने डॉक्टर के सिग्नेचर वगैरह करवाना पड़ते हैं, और वो सिग्नेचर वगैरह करवाने के बाद जो आपका DRM ऑफिस है वहाँ पर आपको ले जाकर उसमें थप्पा लगाना पड़ता है वेस्टर्न रेलवे साउथ जोन का या तो फिर दिल्ली जोन का, वो आपको जब थप्पा लग जाता है तब वो बनता है आपका डिसेबिलिटी, तब वो बनता है आपका रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट, और जो रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट है उसके आधार पर ही आपको फोटो आईडी कार्ड ऑनलाइन में मिलेगा। अगर आप ऑफलाइन प्रोसेस करते हैं DRM ऑफिस जाकर, तो भी वो आपको डॉक्यूमेंट में ये देना पड़ेगा फोटो, जो आपका जो A4 साइज में आता है कंसेशन सर्टिफिकेट पास जिसे बोलते हैं,
तो ये पुराना वाला बनवाना पड़ेगा आपको पहले, फिर ही आप ऑनलाइन ट्राई कर सकते। बाकी आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सीधा DRM ऑफिस चले जाइए, रेलवे की नजदीकी जो भी हो वहां पे दोनों प्रोसेस कर देंगे। फिर कमेंट है कृतिका जी की, कृतिका निषाद जी के, सर जी हमें एजुकेशन के लिए लोन बहुत नीड है, प्लीज गिव योर आइडिया, आई एम 45% डिसेबल फ्रॉम वाराणसी। तो एजुकेशन लोन के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा समाज कल्याण ऑफिस, क्योंकि काफी समाज कल्याण ऑफिस में ये स्कीम चलती रहती है डिसेबल पर्सन को एजुकेशन के लिए लोन मिले उसके लिए, और वहाँ पे आपको जो ब्याज दर है वो भी बहुत कम होता है, क्योंकि गुजरात में तो काफी डिसेबल पर्सन को एजुकेशन लोन मिलती है और उसका ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी एक जगह NHFTC एक संस्थान है जो हमें बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन ये सब प्रोवाइड करती है। और तीसरा एक ऑप्शन है PNB बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये बैंक का और NHFTC का टाइप है, तो आपके नजदीक में ये तीन में से जो भी हो वो जाइए, पहले समाज कल्याण जाना, दूसरा NHFTC दिल्ली जाना, और तीसरा है PNB बैंक, और PNB बैंक में जाकर बोलना कि डिसेबल पर्सन वाला एजुकेशन लोन चाहिए। फिर है रेलवे पर कमेंट है दिलीप पटेल जी की, सर मेरे पास कंसेशन सर्टिफिकेट नहीं है, मैंने UDID ले लिया है, अब मुझे रेलवे कंसेशन कार्ड के लिए सिविल में कंसेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, मैंने पहले कंसेशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है, अब मैं सीधा UDID कार्ड से रेलवे कंसेशन ID कार्ड मिल जाएगा या सिविल से पहले कंसेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? आपके पास अगर रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको सबसे पहले रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, उसके लिए पहले DRM ऑफिस जाइए, फिर आपके जो भी नजदीकी सिविल हॉस्पिटल है जहाँ से आपने ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाया है वहाँ पे डॉक्टर के सिग्नेचर वगैरह करवाने पड़ेंगे, और फिर उसके बाद DRM ऑफिस जाकर आपके जो भी रेलवे मंडल है, जो भी रेलवे जोन है उसका सिक्का लगवाना पड़ता है, और UDID कार्ड से रेलवे कंसेशन ID इस तरह से नहीं बनेगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है जो ये वाला है, मेन आपको कंसेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा रेलवे का, तो आप DRM ऑफिस जाइए। फिर है स्मार्ट ग्लैम हेयर गुजराती कमेंट है, मेरे पास रेलवे कंसेशन नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑनलाइन में अपलोड करने में वो कंसेशन सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, तो कंसेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप DRM ऑफिस जाइए और ऑनलाइन प्रोसेस मत करना, DRM ऑफिस जाकर कहना कि मेरे पास रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट भी नहीं है और रेलवे फोटो आईडी कार्ड भी नहीं है, तो आप यहाँ पे बना के दीजिए तो आपको बना के देंगे। फिर है संतोष सिंह जी की कमेंट है, सर मेरा बेटा 80% दिव्यांग है, अभी 18 का हुआ है, 18 प्लस का हुआ है, विकलांग पेंशन योजना में शामिल होने के लिए बैंक खाता 0 बैलेंस वाला ठीक रहेगा, और आय प्रमाण पत्र कैसे बनवाए? डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास पहले से होगा, और ये जो आपने विकलांग पेंशन योजना कहा है तो विकलांग पेंशन योजना में हर स्टेट का अलग अलग रूल्स है, आप कौन से स्टेट से हो ये मुझे नहीं मालूम है, आपने नहीं लिखा है, तो आप सबसे पहले अपनी नजदीकी समाज कल्याण ऑफिस जाइए, वहां पर उनको इंक्वायरी कीजिए कि मेरे बेटे को इस टाइप की डिसेबिलिटी है तो उसके लिए मुझे पेंशन शुरू करवानी होगी, तो पेंशन के लिए काफी कुछ अलग अलग रूल्स रहता है, जैसे कि आपने कहा कि आय का प्रमाण पत्र, तो काफी स्टेट में देखिए गुजरात गवर्नमेंट में तो पेंशन का बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके पास BPL वाला कार्ड होना चाहिए, 0-20 वाला स्कोर होना चाहिए तो ही आपका पेंशन जो है वो शुरू होता है, अगर आप महाराष्ट्र दिल्ली से UP से तो आपके वहाँ पे थोड़ा अलग सा रूल्स है, तो आपको आपके उसके रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो आप अपनी नजदीकी समाज कल्याण ऑफिस जाइए, वहां पर आप उनसे इंक्वायरी कर लीजिए कि इनकम कितनी होनी चाहिए, एक साल की सालाना इनकम कितनी होनी चाहिए, उसके आधार पर पेंशन मिलेगा, तो फिर अगर वो आपको कहते हैं कि इतनी इनकम होगी तो आपको पेंशन मिलने के पात्र है, तो फिर आपको अपने जो भी सिटी वगैरह में रहते हैं तो मामलेदार जो होते हैं वो आपको आय का प्रमाण पत्र देते हैं, अगर आप गांव वगैरह में रहती है तो आपको तहसील, मतलब जो गुजराती में तलाटी बोलते हैं उसको हिंदी में शायद तहसील बोलते होंगे, तो वो आपको आय का प्रमाण पत्र देंगे, तो मेरा तो यही सजेशन है कि पहले समाज कल्याण ऑफिस जाइए। फिर ये रेलवे की कमेंट मनोज धीकी, सर मैं राजस्थान से हूँ, एक ईयर पहले DRM ऑफिस पर फॉर्म जमा करवाया और अभी तक कार्ड नहीं आया। देखिए जो DRM ऑफिस में रेलवे फोटो आईडी कार्ड है वो आपके घर पे कभी नहीं आता है, और आपको अगर रेलवे का फोटो आईडी कार्ड घर पे मंगवाना है तो वहां पे आप एक बार कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं, बाकी वो घर पे नहीं आता, ऐसा कोई वहां पे लिखा नहीं कि आपके घर पे आ जाएगा UDID की तरह, तो आप एक बार अपने DRM ऑफिस का नंबर गूगल से देखकर नेट पर देखकर वहां पे कॉल कर लीजिए कि मेरा बन गया है कि नहीं बन गया है,
क्योंकि उसको बनने के लिए मोटा मोटा 3 महीना या 5 महीना लगता है, ज्यादा वहाँ पे काम हो तो कम से कम 6-7 महीने लगते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगता है। तो आप एक बार अपने डीएनए ऑफिस कॉल करके देख लीजिए। फिर दूसरी कमेंट है अरविंद जी की, 40% आई का रेलवे पास बनता है भाई। तो देखिए उसमें अगर हम नोटिफिकेशन जो है उसका ऑफिशियल सर्कुलर है उसके आधार पर देखें तो वहां पर उन्होंने टोटल एब्सेंट मतलब जिनको 100% ब्लाइंड हो उनको ही ऐसा लिखा हुआ है कि उनको ही मिलेगा। लेकिन मेरा एक सजेशन है कि आप अपने डीआरएम ऑफिस जाइए, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर नोटिफिकेशन में जो है वो गवर्नमेंट ने नहीं कहा है कि 40% डिसेबिलिटी होगी तो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपको अगर सही इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपने डीआरएम ऑफिस ही जाइए, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑफिशियल कुछ नहीं कहा हुआ है इसके आधार पर। तो मुझे मेरा भी कहना उतना ठीक नहीं रहेगा कि हाँ मिल जाएगा आप जाइए। तो आप वहां पे जाइए उनसे पूछिए और जब जाओ तो डॉक्यूमेंट लेकर जाना ताकि आपको दो धक्के ना खाने पड़े। फिर है आरटीओ की कमेंट है, सासर वाली वीडियो पर कमेंट है नाबीन चंद्रा जी की, सर जिनके मोनोक्यूलर विजन है उनको 2 या 4 व्हीलर में अल्टरनेशन करवाना पड़ता है। तो देखिए अल्टरनेशन मतलब जो मॉडिफिकेशन होता है वो आपको करवाना तब पड़ता है जब आपके हाथ में प्रॉब्लम हो, आपके पैर में प्रॉब्लम हो, आपका तो विजन का प्रॉब्लम है तो आपको इसे अल्टरनेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तो आसानी से विजन का प्रॉब्लम है तो कार वगैरह चला सकते हैं तो आपको अल्टरनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आरटीओ और शोरूम कहता है तो आप उनसे एक बार पूछ कह सकते हैं कि सर मुझे तो जरूरत है नहीं। और काफी भी ऐसे दिव्यांग है जो 100% ब्लाइंड होते तो ऐसे ड्राइवर अपनी कार का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो खुद नहीं चला सकते। तो जिनको दोनों पैर की दिक्कत है, हाथ की दिक्कत है, थोड़ा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, 100% डिसेबिलिटी है, तो वो लोग तो खुद नहीं चला सकते तो उनको तो अलग से ड्राइवर रख के ऐसे ड्राइवर उनका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो अल्टरनेशन की आपको जरूरत नहीं है और आपका लाइसेंस जो है वो भी नॉर्मल वाला बनता है, एडेप्टेड व्हीकल वाला नहीं बनता है। दिलीप सिंह जी की कमेंट है मेरा फास्टैग वाले वीडियो पर, मेरा फास्टैग पेंडिंग फॉर डिलीवरी बता रहा है, आरओ ऑफिस से कॉल भी नहीं आया है, अतः मैं अपने फास्टैग कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। देखिए आपका फास्टैग है वो आपके घर पे कभी नहीं आएगा, आपका जो फास्टैग है वो आपको ये पेंडिंग फॉर डिलीवरी दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि सारी कुछ प्रॉब्लम प्रोसेस हो चुकी है, फास्टैग बन चुका है। तो आप सिंपल से माय फास्टैग की ऐप है, आई एजेंसी की वेबसाइट पर जो ऐप है वो इंस्टॉल करके देखिए, वहां पर अपना कार का नंबर डालिए और वहां पर लिखा हुआ आ जाएगा एक्टिव एंड एग्जेम्प्ट। फिर आपको अपने आरओ ऑफिस जाना होगा खुद से कार वगैरह लेकर खुद की, तो वो लोग आपको आपका आपका जो फास्टैग है वो दे देंगे और आपके पास से डॉक्यूमेंट वगैरह भी मांग सकते, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या तो फिर आपका आरसी बुक, तो वो साथ में लेकर जाना। फिर कमेंट है मेहुल गेमिंग, हेलो मैं दिव्यांग हूँ, बस पास माटे ऑनलाइन अप्लाई करी, 1 वर्ष थई गई, ऑनलाइन बताए छे कि तमारी अर्जी मंजूर थई गई छे। तो इनका ये कहना है कि मैंने 1 साल पहले बस पास का ऑनलाइन अप्लाई किया था तो वहां पे ऐसा लिखा हुआ आ रहा है कि आपकी अर्जी जो है वो एक्सेप्ट हो चुकी है, तो मतलब अर्जी आपकी मंजूर थी गई वो लखेलू आवे, इसका मतलब यही है कि आपका पास जो है वो बन चुका है, आपको अपनी समाज कल्याण ऑफिस जाकर लेना होगा, तो ले आइए। फिर कमेंट है यूडीआईडी कार्ड की, जगदेव लोढ़ी जी का है, तत्काल टिकट में दिव्यांग कंसेशन मिलता है क्या? जी नहीं, तत्काल कोटे में दिव्यांग कंसेशन नहीं मिलता है, तत्काल कोटा अलग है, दिव्यांग कोटा अलग है, सीनियर सिटीजन कोटा अलग है, तो उसमें तत्काल में हमको कंसेशन नहीं मिलता है। हमको कंसेशन लेना होगा तो 4 स्लीपर में और 2 AC में मिलता है हर डे हर ट्रेन में, तो आपको वो पहले बुकिंग करवाना पड़ेगा, तत्काल का वेट कीजिए, आपको वहां पे कुछ नहीं मिलेगा कंसेशन।